राज्यसभा टीवी का ये बेहद खास प्रोग्राम है गुफ्तगू। आपके साथ मैं हूँ इरफान और हमारे साथ हैं आज ऑस्कर अवार्ड विनर साउंड डिजाइनर रसूल पूकुट्टी। रसूल पूकुट्टी फिल्मों में साउंड रिकॉर्डिंग, मिक्सिंग और डिजाइनिंग का जाना माना नाम। केरल के एक छोटे से गांव में पैदा हुए रसूल का बचपन मिट्टी के तेल से जलने वाली ढिबरियों के बीच गुजरा। एक गरीब मुस्लिम परिवार में वो अपने 8 भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। उनके पिता एक बस टिकट चेकर और स्थानीय स्तर के राजनीतिक कार्यकर्ता थे। रसूल पूकुट्टी जिंदगी की उबड़ खाबड़ पगडंडियों पर चलते हुए आखिरकार उस वक्त देश और दुनिया की नजरों में चमक उठे जब उन्हें 2008 में आई फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर में सर्वश्रेष्ठ साउंड मिक्सिंग के लिए ऑस्कर से नवाजा गया। And the Oscar goes to Slumdog Millionaire. ये अवार्ड उन्हें रिचर्ड प्रिक और इयान टैप के साथ दिया गया। हिंदी, मलयालम, तेलुगु और हॉलीवुड फिल्मों के लिए लाइव साउंड करने वालों में आज रसूल पूकुट्टी का नाम बड़ी इज्जत से लिया जाता है। रसूल न सिर्फ अपने पेशे में बल्कि अपनी जिंदगी में भी यारों के यार और जरूरतमंदों के हमदर्द हैं। स्वागत है रसूल प्रोग्राम में। थैंक यू। हमें बताइए कि आपका जो बचपन था वो कहाँ गुजरा और साउंड में आपको करियर अपनाना है, करियर बनाना है, ये आपने कब सोचा? एक बात बताऊं, जब आपसे बात कर रहे थे ऐसा तो नहीं लगा मेरे को, कुछ ये नहीं लगा। जब अभी आप इंट्रोडक्शन दे रहे थे तो आपका एक साउंड है, द वे यू स्पीक, द वे यू रोल योर वर्ड्स, ऐसा लगता है कि मैं कुछ AIR में जो न्यूज़ सुनते थे, हिंदी न्यूज़ जिसके साथ तो थोड़ी सी उर्दू मिला के, वैसा एक फील आया। जस्ट टेक मी बैक टू टाइम आस्किंग, यू नो, यू आस्किंग मी अबाउट साउंड, आई फील माय अर्लीस्ट मेमोरी ऑफ साउंड इज रेडियो। बिकॉज जब हम, यू नो, आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन अ स्मॉल विलेज इन केरला, एंड वहाँ पे हमारे एक ही जो सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट जो होते थे दैट वाज रेडियो। एवरीथिंग रिवॉल्व्ड अराउंड रेडियो। जो संडे को ड्रामा होते थे, 7:55 को एक प्रोग्राम होते थे, 5 मिनट का सोशल कमिटमेंट एक प्रोग्राम, उसके बाद 8 बजे ड्रामा होते थे, उसके बाद हम खाना खा के सो जाते थे। तो फॉर द फर्स्ट टाइम आई हर्ड साउंड लाइक अ कार डोर, फॉर एग्जाम्पल, लाइक अ डोर ओपनिंग और अ कार पासिंग बाय। फर्स्ट टाइम आई हर्ड अ साउंड विच इज़ बीन यूज इन नरेशन वॉज रेडियो। आई मीन, आई वॉज, लाइक आई सेड, आई वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन अ वेरी फ्री एटमोसफियर, यू नो, आवर होल, वी नेवर हैड अ वॉच, यू नो, टू लुक एट द टाइम, एवरीथिंग वॉज विथ द वे सन राइजेज एंड सनसेट, यू नो, सुबह से दोपहर तक साउंड चेंज होते रहते थे, दोपहर के बाद शाम आते थे, शाम साउंड चेंज होते, सो एवरीथिंग वॉज रिवॉल्विंग अराउंड नेचर। तो माई एसोसिएशन इज एवरीथिंग टू डू विद दैट। सो एंड स्पीकिंग ऑफ विच, आई जस्ट रिमेम्बर्ड द रेडियो एंड प्रोबेबली माई अर्लीस्ट मेमोरी इज दैट, एंड इट वहीं से मिला जुला है। आपके पिता क्या करते हैं? माई फादर वॉज एन एक्टिविस्ट, ही इज़ वन ऑफ द पर्सन हु बिगैन द कम्युनिस्ट मूवमेंट इन केरला। My father was a, mother was a staunch believer, born in a Muslim family. But mother used to do 5 times namaz. Father was never a believer. He was in the communist movement. So we brought up in a very free atmosphere. You know, religion was never forced upon us. We got up and went to school. Nobody asked us to go to school. But father, of course, you know, enrolled us in the school and he was always there. Vacation mein aate the. बुक्स लेकर और कपड़े लेकर आते थे। तो माई एंड स्कूल में हम खेलने के लिए जाते थे, नेवर वेंट टू स्टडी। तो आई डोंट हैव अ मेमोरी ऑफ स्टडीइंग अंटिल आई एम इन द हाई स्कूल, यू नो। तो नाउ आई रिमेंबर व्हाट इट गेव मी वाज अ सेंस ऑफ फ्रीडम, अ सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी, यू नो, वी ब्लूम आवरसेल्व्स, बिकम अ फ्री स्पिरिट, यू नो।
I was a 10th child. You know, we are 10 of us. One of my brothers and sisters, they died in the very early age. So I haven't even seen them. I don't even know them. So we are 8 of us now. 4 brothers and 4 sisters. You know, a big family. Very joint family. Very well knit. You know. Rasool ji, wo kaun si jagah thi jahan aapka bachpan guzar raha tha? Koilon district mein, there's a place called Vilakkavara, which is about 12 kilometers away from the nearest city, which is called Anjal. It is a very small village. You know, there were like 7 or 8 families in that village. It was a very, very close to the forest, and we never had electricity till I was 17. You know, we grew up in, you know, under the kerosene lamp, and the nearest school was about 6 kilometers away. We used to walk to the school, but that walking was like a journey. You know, we get up in the morning and we never on time to school. So I remember my headmistress used to stand on the top of the school, because there are like 18 or 19 steps you have to climb up to the hill. She used to stand on top of the, you know, step, and whoever comes late, she used to beat us up. And sometimes we duck ourselves, but that never stopped us from going to school. Because it was a journey of friends and togetherness. And I remember I was one of the fortunate guy who once in a while to get to see a film. So I used to narrate the film story. So film kahan dekhte the aap? Hum pitaji ke ghar pe jaate the kabhi kabhi, ya mata ji ke ghar pe jaate the kabhi kabhi. To unhone unka jo ghar parivar jo hai wo city mein hai, wahan pe electricity hai, wahan pe fan hai. That fan was my most intriguing thing, because during the summer it used to be hot. We used to hold this hand fan, and you know, वो अपन ये पान का जो पेड़ है उसमें से उसका एक कट करके हम विशरी बोलते हैं उसको, वो यूज़ करते थे. तो वहाँ पे एक ऑटोमेटिक मशीन है, स्विच डाला तो फैन आ गया, हवा आ गया. तो वो हमारे लिए बहुत, यू नो, एक नई चीज़ थी. और ट्यूबलाइट जो है, हम कभी सफ़ेद लाइट देखा नहीं है, हम हमेशा केरोसिन का लाइट देखा सफ़ेद. और जब हम बचपन जब पढ़ते थे, सुबह उठ के हम नाक के दोनों ये सुशिर जो है उसमें पूरा काला काला दिखते थे, बिकॉज धुएं की वजह. हाँ, धुएं की वजह से. तो वो कभी नहीं होते थे जब शहर माता जी के घर पे जाता है. तो वहीं से कभी कभी फिल्म देखने के लिए लेके जाते थे. तो स्कूल में आते सबको मेरे को कहानी सुनाना पड़ता थे. तो घर से जो स्कूल में जाता है एक ग्रुप, वापस आते हैं दूसरे ग्रुप, और वो हफ्ते भर हम कहानी सुनाते थे. तो 2-3 दिन के बाद हम बोर हो जाते थे, तो हम अपना कहानी शुरू करते थे उसके. अच्छा, साथ अपना अपना मिला जुला के कहानी शुरू करते थे. तो वो सेंस ऑफ नरेशन का एक मेरे ख्याल से वहीं से जोड़ी है, ज़िंदगी के साथ जोड़ी है. नहीं तो आपको बनना क्या था ज़िंदगी में? मेरा माता जी की इच्छा था कि मैं डॉक्टर बनूँ, तो मैं भी थोड़ा कोशिश की है, लेकिन आई वॉज नेवर इंटरेस्टेड. बल्कि मैं आई फेल इन लव विद फिजिक्स. फिजिक्स मेरे अच्छे, मेरा जो आई लाइक फिजिक्स अलॉट. तो मेरा इच्छा था कि मेरे को फिजिसिस्ट बनना था. और मैंने ये सोचा कि ये सपना देखा कि मैं सुपर कंडक्टिविटी में रिसर्च करूँगा, और उसमें वो सुपर कंडक्टिव एलिमेंट आई विल इन्वेंट, और मैं नोबेल प्राइज़ जीतूंगा. ये मेरा इच्छा था, इंडिया के लिए मैं नोबेल प्राइज़ जीतना है, यही मेरा मकसद था. लेकिन वो कभी पूरा नहीं कर पाया. उसके बीच में यू नो फिल्म घुस गए लाइफ में, फिल्म लेके गए, लेकिन ऑस्कर जीता है. तो ये क्या होते थे, मेरा पिताजी जो है वो बहुत ही एक अहम आदमी थे. उनका एक वैल्यू था, वैल्यू सिस्टम था. लेकिन मैंने जो बोला है, उन्होंने कम्युनिस्ट मूवमेंट में थे, वो पार्टी शुरू किए है. उसके बाद उन्होंने केरला में पहला जो कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम उन्होंने शुरू किए. मेरा मदर बोलता है कि उनका जो ताली जो बांधता है वो भी उन्होंने लेके गए, जो गाय को लेके गए, गोट जो थे वो सबको लेके गए, वो सब भेज के जो है उन्होंने पहला गाड़ी वो लोगों ने खरीदा. नो द वर्कर्स फॉर्म्ड ट्रांसपोर्ट यूनिट कोऑपरेटिव. ही फॉर्म्ड दैट, देन ही इज बीन पार्ट ऑफ, ही लेफ्ट पार्टी पॉलिटिक्स, देन ही हेड दैट ऑर्गेनाइजेशन, एंड अनटिल ही रिटायर्ड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन ही वर्कड देयर एज अ ट्रू वर्कर. तो उनको बहुत वैल्यूज होते थे लाइफ में. ही वॉज एन एविड रीडर. ऑल्दो वो सब क्वालिटी में
उनसे लिए है, तो उन्होंने ये कहा कि कभी भी हम पैसा दे के एडमिशन नहीं ले लेंगे कहीं पे भी, किसी को भी पैसा नहीं देंगे, ब्राइब जैसे चीज़ नहीं देंगे, करप्शन नहीं करेंगे लाइफ में, किसी को भी बुरा नहीं सोचेंगे, बुरा नहीं समझोगे। तो उनका एक लाइफ था। हम बीएससी ख़त्म किए हैं तो 150 स्टूडेंट्स केम आउट, देयर वर ओनली 10 सीट्स फॉर एमएससी, सो आई कुडंट जॉइन फॉर एमएससी प्रोग्राम। इफ़ आई वाज एबल टू गिव सम डोनेशन आई कुड हैव गॉट एडमिशन इन प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस, बट माय फादर सेड नो एंड आई स्टूड बाय दैट। तो कुछ नहीं करना था तो ऐसे ही टाइम चला जा रहा, तो मैं लॉ के लिए ज्वाइन किया। तो फादर ऑल्सो सेड लॉ इज़ ऑल्सो नॉबल प्रोफेशन। देन मेरा ये था कि आई वॉन्टेड टू बी आई वॉन्टेड टू बी एन एडवोकेट लाइक नानी पलकी वाला, और आई वॉन्टेड टू बी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। दिस वॉज माई विच एवर प्रोफेशन आई टुक, आई वॉन्टेड टू बी द बेस्ट इन दैट। वहाँ से जब मैं फर्स्ट ईयर का लॉ कर रहा था, तब दो दोस्त लोग जो है जो मेरे साथ बीएससी की पढ़ाई किया था, उन्होंने बोला ऐसा एक एडवर्टाइजमेंट देखा है न्यूज़पेपर में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के बारे में, जहाँ पे साउंड इंजीनियरिंग करके कोर्स है, वो उसमें फिजिक्स ग्रेजुएशन बेसिक क्वालिफिकेशन। तो मैंने सोचा कि मेरा फिजिक्स जो पढ़ने का जो इच्छा है वो इसमें जब पूरा हो जाएगा, तो हमने अप्लाई किए बिना बोल के, घर पर बिना बोल के अप्लाई किए। उसमें से खाली मेरे को एडमिशन मिला। मैं ऑल इंडिया एंट्रेंस क्लियर किया तो पुणे में बुलाया, वहाँ पे एक हफ्ते का जो ओरिएंटेशन कोर्स देते थे, उसके बाद दूसरा एग्ज़ाम और उसके बाद इंटरव्यू सब होते थे। तो वहाँ चला गया, मैं पहली बार फिल्म देखा उधर, दूसरे एंगल से देखा फिल्म्स का एक बड़ा मीनिंग था। तो वो मेरे को उस बार में एडमिशन नहीं मिला, लेकिन वो ओरिएंटेशन कोर्स में मेरे को ये पता चला कि मेरा लाइफ में फिल्म ही मेरा फिल्म पढ़ना, फिल्म सीखना, फिल्मों में काम करना, यही मेरा दिस इज़ माई वे, दिस अ पाथ। तो बिकॉज आई वॉज अ फिजिक्स स्टूडेंट आई थॉट आई विल कंटिन्यू स्टडिंग साउंड, तो आई केम बैक टू केरला। बाकी जो दूसरा साल एक साल जो थे, मैं पूरा फिल्म ही देखा, पढ़ाई किया, कल्चर, आई वॉज बीन अ साइंस स्टूडेंट, आई नेवर अंडरस्टूड आर्ट, आई नेवर हैड यू नो, सो देन आई स्टार्ट रीडिंग राइटिंग एंड मीटिंग पीपल यू नो, watching films, watching performances and listening to music and everything. So I educated myself that 1 year. Then I wrote exam again, then I got it. And luckily, I got the first rank. So first rank mila, isliye main pad paya actually. Kyunki first rank ki wajah se INB central government ka scholarship tha aur state government ka scholarship tha. 500 rupees central government scholarship, 300 rupees state government. So 800 rupees mein मैंने सारे कैलकुलेशन किए, मैं खुद अपने आप को घर से पैसा बिना लेके मैं पढ़ाई कर सकता हूँ। उसके वजह से मैं फिल्म स्टूडेंट बना, जो भी है मैं आज है उसके वजह से हुआ। अगर मेरे को वो स्कॉलरशिप नहीं मिलता था या फिल्म इंस्टीट्यूट में आज का फीस होते थे तो मैं कभी भी फिल्म स्टूडेंट नहीं बनता, बिकॉज इट्स टुडेज इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इज सच दैट a normal student, a normal middle class person, learning films is a luxury. And it's very sad, you know, that is not the philosophy in which Chacha Nehru has set up Film and Television Institute of India. It is very, very sad that people who was governing this country is not understanding the philosophy of our forefathers, you know, without understanding what is actually our country means, you know, who are these people who constitute this country. Institute was set up to find the rural talent of this country. Now, with the structure today, it is a rural people who can't reach the institute, which is a very, very sad story. So when I got the Oscar and IFA came to, said they want to honor me, I said, why are you giving me one more statue? It is not going to be equivalent to the statue that I already have. So why don't you give me some money? Let's set up a scholarship. You know? So I thought, I had a dream when I came into the institute. And I wanted to give that dream to one person. So I set up a scholarship with IFA, which is called IFA, Resul Pookutty and IFA Foundation Scholarship, wherein we, every year, we give a scholarship worth $5,000, which sufficient money for two students to study free of cost in the institute, you know. That is a bit that I can do. I 91 to 94, I studied, 94 December, I passed out. So 95, I am in Bombay and working. And when you passed out, you said that after that, you started your career.
कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा? नहीं नहीं, वो भी ऐसे ही नहीं हुआ। मैं जब इंस्टीट्यूट में पढ़ा था, मेरा दो इच्छा था कि एक तो है इंडिया इतना वास्ट कंट्री है, इतने डाइवर्सन है इंडिया में, कल्चरल डाइवर्सन है, उसका एक पतन मडंग आई वुड से यू नो थाउजेंड फोल्ड साउंड्स है इंडिया में, जो कहीं साउंड मर गया है, इट्स इन द वे ऑफ एक्सटेंशन नाउ। तो आई थॉट आई वॉन्ट क्रिएट लाइब्रेरी ऑफ इंडियन साउंड विच इज़ नेवर डन बिफोर, बिकॉज इफ यू वॉन्ट टू यूज साउंड इन सिनेमा यू हैव अ बीबीसी लाइब्रेरी, यू हैव अ हॉलीवुड एज, और you have sound ideas, these are the library that is, which is never Indian sounds, they are actually not Indian sounds. तो हम एक जो culture, एक tradition से आ रहा है, हमारा oral tradition, सब कुछ sound है, जो knowledge, जो पिछला you know 5,000 साल से हमारा knowledge जो from one generation to the other generation हम जो you know देते आ रहा है, वेदास जो भी है, they were all sound. This is one country that said to the world that sound is knowledge, and we boast ourselves to be the biggest oral tradition in the world, but we have no collection of sound. So my idea was to create a collection of library that we can use it in you know cinema. So that was one idea, and second idea was that to start sing sound in Indian cinema, you know, because of various technology and various other aspects. Recording live in Indian cinemas was an extinct idea. These two things I wanted to practice, and when I came out, I had no option. Nowhere, nobody was willing to take my idea. I will go back to Kerala and finish my law. I was disillusioned when I finished my passed out my FTI, because nobody wants to take a new idea. So I came to Bombay to see the last IFFI, and I was watching a. Kieslowski's film, and somebody called my name out, and I came out of the hall, and he said, "You wanted to do live sound. There is one shoot happening tomorrow. The sound recordist is not able to come. He's stuck in Scotland. Can you go?" I said, "But I don't know anything. But you always wanted to do this, no? Take up and go." And I was living with a friend in Andheri. I didn't know how to go back there, and. There's no clothes and nothing, no communication of that type, no mobile phones. So I walked across to the fashion street and bought clothes and put it in a plastic thaili and went to the shoot. And from there, I never looked back. What was that shoot actually? It was a serial for Doordarshan called Misal by Ajay Karthik. Mm-hmm. It was a television work. I never wanted to work in television. I always said no, I would only do film. But that was my first job. Then, there I realized, you know, what you learned in the film school and what you actually finally required to do are two different things. Because in the film school, we never looked at ourselves as professionals. One day you finish your film school and step out into the world, next day you are a professional. When somebody calls you and give you a job, you are expected to do a professional job. So this is a huge difference, you know, for a student to understand the magnitude of things that he is thrown into was a learning process. And I realized there's a lot that I have to learn and do, and I was then I got absorbed. People saw that work and they started giving me work. Most of it was television work. Then I said no, I am not doing television, because I get stuck into that, you know, that circuit. I always wanted to do films, and then I slowly started doing documentaries, and then one by one films happened. अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और बातें जारी रखेंगे ऑस्कर अवार्ड विनर साउंड डिजाइनर रसूल पूकुट्टी के साथ. पीपल ऑल्सो इन द कमर्शियल सिनेमा इंडस्ट्री सेट अप एंड नोटिस्ड साउंड फॉर द फर्स्ट टाइम. तो उसमें आप साउंड नहीं सुनते थे. आई मीन एज एन ऑडियंस यू नेवर बिकम अवेयर ऑफ इट, बट यू फील दैट इज समथिंग स्पेशल, यू नो. Sound, a good sound comes as a good production value for a movie. People come to you because you are not good at what you're doing, because you are going to put in certain value, inculcate certain value into a product by which you make the product you know surpasses time. That's where you amalgamate yourself from a technician to an artist.
स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम गुफ्तगू में। आज हमारे साथ हैं मशहूर साउंड डिज़ाइनर रसूल पूकुट्टी। रसूल, हमें बताइए कि हिंदी फिल्मों में ख़ास तौर पर, और हिंदुस्तानी कर लीजिए उसको, जब आप फिल्म स्टूडेंट थे FTI में, तब आपको क्या शिकायत रहती थी कि उसमें साउंड वैसा नहीं होता जैसा कि आप चाहते थे? कुछ आपके ऑब्जर्वेशंस होंगे ज़रूर। दैट वाज वन ऑफ द रीजंस व्हाई थॉट आई व्हेन आई कम आउट एंड डू ओनली सिंग साउंड, बिकॉज वी वेर एक्सपोज टू सिनेमा फ्रॉम द सिनेमाज ऑफ यूरोप एंड ऑल अदर कंट्रीज, हॉलीवुड एंड एवरीवेयर। And when we saw Hindi films, and we realized that there is something missing in the cinema. All other films are close to life, you know, it's as if it is happening in front of you, you get absorbed in it. Then as a student, I realized it's the way sound is done in those films, not anything else. You know, we have our kind of cinema, but they have their kind of cinema. But both are reflections of life. But why I get distracted in Hindi cinema? I realized it's the way sound is done in those cinema. That is what I wanted to change, and that is why I decided that I would do only live sound in Hindi cinema. And 14 years later, when I was given the biggest honor in the field of sound by the Cinema Audio Society of America in Hollywood, that is the one thing that I said to the fraternity. You know, there was Spielberg, there was George Lucas, and there was Ben Burtt, and all these people were sitting in the crowd, and I said, you know, I come from very far, but you know, when we began doing sound, we didn't have anything. We didn't have even microphones. But it is my industry and my fraternity who was willing to take challenges, willing to change the way they work. It is because of them that I am here today. It is not my achievement. It is because of my fraternity, and I want to thank my fraternity. And they stood up and gave me a standing ovation. सो वो अपना इंडिया का ये बहुत ही अहम बात। वो डैनी बॉयल जब हम स्लमडॉग बनाया था बनते थे तब वो हमेशा वो यही बात बोलते थे कि अगर समझो कि एक सब्जी वाला है, उनको पूरा लाइफ में सब्जी वाला नहीं बनना है, उनको कुछ और बनना है हमेशा। या वो सब्जी वाला का ये सपना ही रहता कि उनका बच्चे को इंजीनियर बनाऊं या डॉक्टर बनाऊं। वो ही नेवर वांटेड टू बी व्हाट ही इज। देयर इज ऑलवेज अ स्ट्राइविंग, यू नो, वी ऑलवेज स्ट्राइव फॉर समथिंग एल्स। एंड दैट्स ही सेड दैट इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ इंडिया एंड द पीपल ऑफ इंडिया, यू नो, दे ऑलवेज वांटेड टू चेंज। एंड इट कम्स फ्रॉम दैट। माई अचीवमेंट इज नॉट माई अचीवमेंट अलोन, नॉट बिकॉज ऑफ आई वॉज गुड और आई बीन गिवन अपॉर्चुनिटी। पीपल बिलीव्ड इन मी and people trusted that okay, he will change, he can do something, and we will go with him, you know. It is opportunities and the belief and the kind of trust that my fraternity put it on me that evolved me, that developed me into what I am today. So I owe it to my fraternity, not to me. I mean, I don't take credit of anything that I have done. Ek cheez aur ye bataiye ki ek average film viewer जब फिल्म को देख रहा होता है तो उसके लिए क्रूडली वो स्टोरी या जो नरेशन है, नरेटिव है, उसको अप्रोच करता है। बहुत होगा तो उसमें कुछ सॉन्ग्स को अप्रिशिएट करेगा। कभी भी उसके कान उसके लिए अलर्ट नहीं होते कि ओवरऑल फिल्म में साउंड क्या चल रहा है। जो हमारी कन्वेंशनल फिल्में हैं उसमें थ्रू आउट बैकग्राउंड स्कोर चलता रहता है, लाइव साउंड का कोई इशू भी नहीं होता। लेकिन जब आप उसे साउंड को एक स्पेशलाइज फील्ड मानकर जब कोई बात देखते हैं या देखने वाले को बताना चाहते हैं, तो एज एन एवरेज व्यूअर, एज ए लेमैन अबाउट साउंड, मैं कैसे अप्रिशिएट करूं? मतलब किसी फिल्म में साउंड को मुझे अप्रिशिएट करने के लिए क्या करना होगा? एंड एज ए साउंड मैन, मेरा फिल्म में कभी भी साउंड सुनाना नहीं चाहता हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द साउंड। आई एम वर्किंग on a very subconscious level of audience. If you look at a film like Black, I mean, that is my first film which won me many awards and many laurels, and people also in the commercial cinema industry sat up and noticed sound for the first time. So usme aap sound nahi sunte the,
I mean, as an audience, you never become aware of it, but you feel that is something special, you know. Sound, a good sound comes as a good production value for a movie. And if you are getting aware of something, which means it is not engaging you, you know. When I see films, I mean, with all this experience, when I see films, I am as any other audience. If the film is good, I get absorbed in the film. And the film is not engaging, I start thinking about sound or visual or anything else, you know. Our attempt is to make the audience engage in the story, you know. To say that effectively, me as a sound person would use sound, a composer would use music, a cameraman would use light and composition. All of us are working towards one thing. That one thing is that to engage the audience in effectively telling a story. और रसूल, अगर आपसे ये पूछें आखिर में कि हमको बताइए जो नए साउंड डिज़ाइनिंग में, नए साउंड रिकॉर्डिंग में आने वाले जो जो एस्पिरेंट्स हैं नए, उनके लिए आप कोई मंत्र देना चाहेंगे तो? देयर इज नो मंत्र, देयर इज नो इफ यू वांट टू बी समवन लाइक मी, आई वुड से दैट यू हैव टू स्टडी सिनेमा. फर्स्ट यू लर्न सिनेमा एंड साउंड इज वन ऑफ द क्राफ्ट. इट्स लाइक यू लर्न सिनेमा and you learn camera as a craft. So cinema education is what is needed. You know, you can become a sound person by learning a software or learning how to operate a microphone or how to record it, you know. That is easy. That is a month's job to study, but that doesn't make you what I am, you know. You need to understand cinema as an art form, as a language. Unka, you know, ek cinema over the last 100 years, it has gone through all kinds of isms and all kinds of experiments that every other field of art has gone through over many, many centuries, you know. So you need to learn, because you need to know theory to understand whether something is spurious or genuine, you know. So with that knowledge, if you learn a craft, then you become a better artist, you know, a better craftsman and become a better artist. People come to you because you are not good at what you're doing, because you are going to put in certain value, inculcate certain value into a product by which you make the product, you know, surpasses time. That's where you amalgamate yourself from a technician to an artist, you know. That can only be learned in a film school. I would only suggest FTI and SRFT and institutions like that to study cinema and to then learn sound as a part of cinema studies. Bahut bahut shukriya Rasool, itna waqt humko dene ke liye. ये थे रसूल पुकुट्टी, ऑस्कर अवार्ड विनर साउंड डिज़ाइनर. कुछ कहना चाहते हो प्रोग्राम के बारे में तो हमें लिखिए feedback.rstv@gmail.com पर.